कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया ना। कितने लोग हैं जो नाश्ता करके नहीं आए हैं आज? कि ध्रुव जी ने जल्दी बुला लिया, सुबह सब नहीं आए। कोई बात नहीं, कल रात में तो खाया होगा। चलो देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ तक चल के आए हैं तो उसके पीछे भी एक वजह होगी कि हम यहाँ तक क्यों आए हैं। क्योंकि कुछ स्पीकर्स आ रहे थे, कुछ हमारे जैसे जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और कुछ हमसे इतने ऊपर जिसके बारे में सोच नहीं सकते, जैसा कि सर अभी आपसे मिलकर गए। दोस्तों, जो जीवन है वो बहुत खूबसूरत है, चलता रहता है जैसे आप चलाओ। जैसा कि अभी एक सवाल आया था कि अगर वो 19 साल का बच्चा हो गया तो और वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो क्या करे। मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि लाइफ में हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा तो बन ही जाता है, और कुछ अच्छा बनना इस बात से तय नहीं होता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि जुगनू बनके, जुगनू देखा है, जुगनू बनके उजियारे की एक ललक उठानी है, जुगनू बनके उजियारे की एक किरण उठानी है, करना वही जो तुम्हारे दिल ने ठानी है, करना वही जो तुम्हारे दिल ने ठानी है। इसके पहले कि मैं अपनी बातें आप पे थोपना शुरू करूं, उसके पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं कि 2010 का साल था, और जो ठीक 10-15 मिनट लूंगा, 2010 का साल था जब मैंने 12th पास किया। मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, और उसके बाद मैं कोटा गया जहाँ पे मैंने कोचिंग ली IITs के लिए। ओवरऑल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं कॉलेज में आ गया पढ़ने के लिए, पढ़ाई की। सेकेंड ईयर के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पे रह के मैं वो नहीं कर पा रहा था जो मुझे करना था, जो मेरा दिल मुझे कह रहा था करने को। मार्केट में आया, मैंने काम करना शुरू किया, फिर मैनेजमेंट की मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई पूरी की। 2013 में मैंने इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर से को छोड़ा था, और 2015 में जो देश की हमारी सबसे बड़ी कोचिंग है IITs की, उसमें मैं जाके लेक्चर दे रहा था। और उस दिन का दिन है इंजीनियरिंग छोड़ने का, फिर 2015 का दिन है जब मैं वहां लेक्चर दे रहा था, फिर 2016 का दिन है जब मैंने एक नॉवल लिखा हैप्पीनेस एट द रेट सक्सेस, वो इसी हॉल में लॉन्च हुआ था, यही मेरा वो कॉलेज था जिसे मैं छोड़ के गया था, और वो बेस्ट सेलर हो गया। और फिर उसके बाद आज का वो दिन है कि जिस IIT में मैं नहीं जा पाया था, उस IIT के लिए मैंने किताब लिखी, फॉर्मूला बुक ऑफ फिजिक्स ई बुक फॉर IIT JEE एंड मेंस, और आज वो आपके सामने लॉन्च होने वाली है। तो ये मेरी छोटी सी जीवन यात्रा है कि बोलते हैं ना कि जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सारे अंधकार हल लेता है। आपको जुगनू बनना है, कितना भी अंधेरा हो जीवन में वो आपको हरना है, और आप हर सकते हो तभी जब अपने आप को आप विश्वास दिला लो। देखो दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में कोई कुछ भी कहता है, लेकिन कोई किसी की जीवन नहीं बदल सकता। कल के दिन एक भाभी IAS के साथ मैं रात में बैठा था, और मेरी उससे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने मेरे से बोला कि सर आप मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हो, लेकिन क्या इससे किसी की जिंदगी बदलती है? तो मैंने कहा सर जिंदगी तो मेरी इतनी हैसियत औकात नहीं है कि मैं किसी की जिंदगी बदल सकूं। हाँ, लेकिन जो मोटिवेशन जो सेशन होता है वो सिर्फ इसके लिए होता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर वो बातें किसी के दिल में लग जाए और उस इंसान को ये फील हो जाए कि यार वो जिंदगी में कर क्या रहा है, उसे करना क्या था और उसका प्लान क्या होना चाहिए, तो बस मेरा काम हो गया। हमेशा याद रखिए कि हिम्मत करने वाले कभी हारा नहीं करते, चांद की धरती में हर मुकाम पूरा किया करते, उनकी तमन्ना है कि तारों को भी दिल में बसा ले, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ता भी इंतजार किया करते। अच्छे मुसाफिर बनो, ऐसे काम करके आप आगे बढ़ो कि जब आप आगे बढ़ो तो पीछे आपको लोग याद करें कि हाँ यार उस इंसान से मिले थे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम मिलकर अपने आप को धन्य समझते हैं कि अपने जीवन हमारा सफल हो गया, उनकी बातों से, उनके विचारों से हमारे जीवन में बदलाव आता है। और एक ऐसा इंसान हम सबके बीच में होता है, और वो होती है हमारी माँ।
मैं चाहूंगा कि ध्रुव जी की माँ के लिए, सर की माँ के लिए और हम अपनी सबकी माओं के लिए इतनी अभी नहीं हम इतनी जोर से तालियां बजाएं कि हमारी तालियों की आवाज हमारे माँ बाप के पैरों को छू के निकले। एक बार माँ और माँ के शब्द, माँ और माँ के शब्द, माँ का धैर्य, माँ की आशा और माँ की उम्मीद एक इंसान को क्या से क्या बना सकती है, उसकी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमारे भारत से करीब 3-4 हजार किलोमीटर दूर एक माँ थी और उसका एक बेटा था। वो बेटा हर रोज स्कूल जाता था, कुछ दिन स्कूल गया, क्लास सेकंड या थर्ड का स्टूडेंट था वो शायद, मुझे पता नहीं बहुत अच्छे से, उस जमाने में मैं था नहीं, एडिक्ट से। तो वो रोज स्कूल जाता था। आवाज आ रही है ना ऑडियो पीछे तक? प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो वो बच्चा रोज स्कूल जाता था, रोज माँ टिफिन लगाती थी, बच्चा स्कूल चला जाता था, बच्चा वापस आता था। और रोज क्या है कि जैसे हम जब छोटे थे और अभी भी जो बच्चे हैं, अभी जो स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल की एक डायरी होती है जिसमें टीचर क्या है होमवर्क या जो भी काम है वो लिख के देता है। और पेरेंट्स जब बच्चा घर लौटता है वापस, तो सबसे पहले पेरेंट्स उस डायरी को पलट कर देखते हैं और देखते हैं कि टीचर्स ने आज क्या निर्देश दिए हैं पढ़ाने के लिए, किसी और काम के लिए। तो ऐसे ऐसे साल बीतते गए। फिर एक दिन आया। अब मेरी आप कहते ध्यान से सुनना, जो लोग सुन रहे हैं वो जाग जाए, क्योंकि अगर आज नहीं जाके तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भाई देखो, ध्रुव जी की ने जो इतनी मेहनत की आपको यहाँ बुलाने में, हम सबको इकट्ठा करने में, वो वेस्ट हो गई। तो क्या था कि ऐसे साले बीतते गए। रोज बच्चा स्कूल जाता था, घर आ जाता था, वो डायरी रोज माँ उसकी देखती थी। और माँ को ना अंदर से डर कहीं ना कहीं होता था, क्योंकि अपने बच्चे के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा दोनों चीजें जानता है। और मैं क्या हूँ, मेरी माँ से बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। और मैं हमेशा बोलता हूँ, माँ नहीं मुझ में इतना दम कि तेरे दूध का कर्ज चुका पाऊं। पापा नहीं मुझ में इतना दम कि तेरे एहसानों को जीवन में कभी चुका पाऊं। लेकिन आपके अच्छे विचारों और संस्कारों ने दिया है इतना दम कि अब नाम रहेगा आपका और मेरा इस जग में। अब कुछ ऐसा कर गुजर जाऊं। और हम ऐसा कुछ कर पाए, एक ख्वाब हर माँ बाप का होता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, 9 महीने तक माँ उसे पालती है पेट के अंदर। कोई दुनिया में कितनी भी बड़ी किसी की गर्लफ्रेंड आ जाए, कोई दुनिया में कितना भी बड़ा कोई बॉयफ्रेंड आ जाए, मजनू राजा हीर जो भी कोई भी आ जाए, लेकिन दुनिया में आपसी आपकी माँ से ज्यादा कोई आपको प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि कोई कितनी भी मोहब्बत आपसे करे, लेकिन माँ उस मोहब्बत से, माँ की मोहब्बत 9 महीने हमेशा ज्यादा होती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, आप बोल तो नहीं हो रहे ना कि मैं क्या आसाराम बापू की तरह कथा है सुनाता हूँ? ऐसा कुछ तो नहीं है ना भाई? यस नो? बोले यस, बोले तब भी दिक्कत, नो बोले तब भी दिक्कत। हाँ चलिए कोई ओके। तो फिर क्या हुआ कि वो माँ हर रोज बच्चे की डायरी देखती थी। फिर एक दिन ना एक लिफाफे में एक टीचर ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी होती है ना, लेटर, पुराने जमाने में लेटर लिखते थे, व्हाट्सएप नहीं होता था। तो एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा माँ ने, और वो लेटर एक लिफाफे में बंद करके उस बच्चे को दे दिया और बोले कि बेटा ये लेटर ना तुम अपनी माँ को घर में दे देना, ये लेटर अपनी माँ को घर में दे देना। और फिर क्या हुआ कि वो लेटर बच्चे ने माँ को दे दिया, माँ ने उसे खोला, पढ़ा, और जैसे ही उस माँ ने उस लेटर को पढ़ा, उसमें सिर्फ 6 लाइनें लिखी थी, वो माँ ने वो लाइनें पढ़ी और उस माँ की आंखों से ना आंसू आ गए, क्योंकि आज वो दिन आ गया था जिसका उसे डर था। तो बच्चे ने उसे पूछा कि माँ रोज आप डायरी पढ़ती थी, आज लेटर में ऐसा क्या पढ़ लिया कि आज आपकी आंखों में आंसू आ गए? तो माँ बोली कि बेटा कुछ नहीं, इसमें ना लिखा हुआ है कि आपके टीचर बोल रहे हैं कि बेटा आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपका दिमाग बहुत तेज है, आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। और आपके टीचर ये कह रहे हैं कि हम इतने कैपेबल नहीं है कि इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट को पढ़ा पाए, उसे शिक्षा दे पाए, उसे ज्ञान दे पाए, तो इस बच्चे को किसी और अच्छे स्कूल में आप भेजिए। और मुझे लगता है कि बेटा सबसे अच्छी टीचर तो मैं ही तुम्हारी हो सकती हूँ। उस बच्चे ने कहा ठीक है। और उस दिन के अगले दिन से क्या है कि उस बच्चा का स्कूल जाना बंद हो गया और वो बच्चा माँ से घर में ही पढ़ना शुरू हो गया। साल बीत गए, दशक बीत गए, और एक टाइम आया जब वो बेटा, उस माँ का वो बेटा
एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। उसके नाम पे हजारों पेटेंट हो गए, बहुत सारी, हम इस रूम में बैठे हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें जो उन वैज्ञानिक ने उस टाइम पे अगर नहीं बनाई होती तो वो चीजें आज नहीं होती। फिर करीब 60-70 साल बीत गए और उस माँ की डेथ हो जाती है, जो एक कड़वा सत्य है, क्योंकि अच्छे लोगों को की जरूरत तो ऊपर वालों को भी है, भगवान ने ऊपर बुला लिया, उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, घर में सफाई चल रही थी तो वो एक लेटर मिला, वो 70 साल पुराना लेटर, कितने साल पुराना, 70 साल, 70 years old लेटर उसके हाथ में था, और उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है और वो इस लायक नहीं है कि वो हमारे स्कूल में पढ़े। आप जरा सोचिए कि यदि वो माँ उस दिन अपने बच्चों को ये बात बता देती कि बेटा तुम इस लायक नहीं हो कि स्कूल जाओ, तो क्या वो बच्चा पढ़ पाता, क्या वो सबसे बड़ा दुनिया का साइंटिस्ट बन पाता, नहीं ना। आप सोचिए एक माँ के की आशा ने, एक माँ की उम्मीद ने क्या से, किसे क्या से क्या बना। और यही एक कारण था कि मैंने माँ के लिए कहानियां बजवाई थी। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको जिंदगी में जीतना है तो कोई और नहीं बताएगा, ये आपको अपने आप को बताना पड़ेगा, अपने आप को विश्वास दिलाइए कि जो आप कर रहे हो वो एकदम ठीक है, जो आप करोगे उसका रिजल्ट एकदम ठीक है। हमें सफल दूसरों की नजरों में नहीं होना है, हमें सफल सबसे पहले अपनी नजरों में होना है, हमें खुद को अपने आप का रोल मॉडल बनाना है। अरे जीत में क्या, हार में किंचित नहीं, भयभीत नहीं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला है यह भी सही, वह भी सही। आपको क्या मिलेगा इसकी परवाह आप मत करिए, आप इसकी परवाह करिए कि जो आपका प्लान था उसका इंप्लीमेंट आपने किया है अच्छे से या नहीं किया है, जो आपका खुद का प्लान था आपने उसे फॉलो किया है या फिर नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे जो इंजीनियर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज कितनी है, 17, 18, 19, 17, 18, 19, कितनी है भाई, इससे ज्यादा है किसी की, 20 होगी। अब देखो मैं मुद्दे की बात बताता हूँ, आप लोग माइंड मत करना। आपके पास जिंदगी के अभी एक सवाल आया था कि क्या करें, तो उसका जवाब यह है कि अगर आपको पता होगा कि आपको क्यों करना है तो आप अपने आप करोगे। अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, शायद आपको जवाब उसका प्रॉपर मिल जाए। जब आप 18, 19, 20 साल के हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, देयर आर टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्लान ए है और दूसरा ऑप्शन प्लान बी है। मैं पहले प्लान ए बताता हूँ, उसमें बहुत मजा आएगा आपको, फिर प्लान बी बताऊंगा जिसमें बोरियत होती है इन जनरल लोगों को। प्लान ए है कि 20 साल के हम जवानी के लिए, क्यों जी, नहीं, यस और नो, यस ना, हम 20 साल के हैं, जवानी के दिन है, भाई फेसबुक चलाओ, सेल्फी लो, इंस्टाग्राम में डालो, फिर दिन भर उसका वेट करोगे कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, मेरी गर्लफ्रेंड ने कमेंट डाला या नहीं डाला, पड़ोसी की गर्लफ्रेंड ने डाला या नहीं डाला, वेट करो दिन भर, मूवी देखने जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, संडे वाले दिन जी आई पी जाएंगे, गर्मी आएंगी वाटर पार्क चले जाएंगे, जाओ भाई मौज लो, खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे, सब कुछ करो, धीरे धीरे आप 24-25 के हो जाओगे, टाइम निकलता जाएगा, फिर आप 30 के हो जाओगे, और जब आप ये सब करते रहोगे, एक प्लान ए है जो भी मैं बता रहा हूँ, समझ पा रहे हैं ना क्या है, मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, आप 20s के हैं, जवानी के दिन है, अर्ली एज है, यंग है, हम भैया से घूमेंगे फिरेंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे, फोटोज लेंगे, यूट्यूब में वीडियोज देखेंगे, दिन भर मूवीज देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फेसबुक पे इंस्टाग्राम में सेल्फीज डालेंगे, ग्रुप फोटोज डालेंगे, GIP जाएंगे, घूमेंगे, ऐसे आप करते रहो आपका टाइम निकल जाएगा, इसकी लिमिट नहीं है कोई, आप 24-25 के हो जाओगे, धीरे धीरे आप 27-28 के हो जाओगे, आपके पास कोई जॉब नहीं होगी, और फिर आपके पेरेंट्स किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यार मेरा बेटा है उसे ना ये कोर्स कर रखा है छोटा सा, वो डिस्टेंसेस उसने कर लिया था, BA कर लिया था, BSc कर लिया, BCom कर लिया, कोई भी कोर्स, मैं किसी कोर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि वो कोर्स छोटे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि करने का एक तरीका होता है। आपके पेरेंट्स किसी से बोलेंगे, मान लो सबको बुला के बोलेंगे कि भाई सर आप कितने सारी जान पहचान आप कहीं पे बच्चे को लगवा दो, ठीक है आपके पास एक नॉर्मल सी जॉब लग जाती है, आप 15-20 हज़ार रुपये अर्न करना शुरू कर देते हो, फिर आपके क्या है जो आपकी एज है वो 30 के आसपास आ जाती है, जब 30 के आसपास आ जाएगी तो आपकी शादी भी होनी है, 1 से 2 होना है, 2 से 3 होना है, जब शादी होगी तो प्यार भी हो जाएगा, प्यार होगी तो बच्चे भी होंगे, ठीक है, फिर उसकी जिम्मेदारी है उन्हें स्कूल भेजो, उन्हें पढ़ाओ, उनकी स्कूल की फीस दो,
अब आपकी अर्निंग इतनी नहीं है कि आप ये सारे खर्चे बाहर प्रॉपर उठा पाओ। फिर आप थोड़े से 40s की एज में आ जाओगे, फिर आपको लगेगा कि यार घर भी अच्छा सा हो जाए खुद का, तो और भी अच्छा। अब आप देखो दिन रात मेहनत कर रहे हो, है ना, क्यों? क्योंकि 20s में तो हमें मजे लेने थे यार, है ना। कोई नहीं, करते रहो। 40s में आगे हमने लोन लेके घर ले लिया, अब जितना हम कमा रहे हैं वो हमारी फैमिली में जा रहा है, जो हमारी वाइफ कमा रही है उससे बच्चों के खर्चे चल रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, 50s की एज में आ जाते हैं, बच्चों की उम्र हो जाती है कॉलेज जाने के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले लेंगे, उन्हें स्कूल भेज देंगे, कॉलेज भेज देंगे, सॉरी, वो पढ़ेंगे। हम 60s की एज में आ जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, और बच्चे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमारे माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल किया। यही कहेंगे ना भाई, क्यों, वास्तव में स्ट्रगल किया यार। फिर हम 65-70 होंगे, हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स में जाने के पैसे नहीं होंगे, हम किसी सरकारी हॉस्पिटल में लाइन पे लगेंगे, दवाइयां लेंगे, इलाज कराएंगे, अगर इलाज अच्छा हो गया तो घर पहुंचेंगे, इलाज अच्छा नहीं हुआ तो, समझ रहे ना। और हमारे देश में हॉस्पिटल्स कितने अच्छे हैं आप जानते हो, गवर्नमेंट वाले, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। तो क्या है कि हम अगर हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज हो जाएगा तो घर आ जाएंगे, नहीं तो इंतजाम और भी है, और अब तो एम्बुलेंस भी है, सीधे टेक ऑफ होती है ना। तो एक ही लाइफ है कि आप क्या है, पहले 20 से लेकर 25-30 तक क्या है, मौज ले लो, ऐश कर लो, सेल्फीज ले लो। अब देखो यार, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं तैयार हूँ कि मैं 20 स्टेज में इतनी मौज ले लूँ, मैं जिंदगी भर ठोकरे खा लूंगा, मैं जिंदगी भर मेहनत कर लूंगा, लेकिन देखो बस जो अपन ने सेल्फी ली थी ना 20s में, वो बहुत बढ़िया थी, 100 लाइक आए थे उसमें, क्यों जी, कैसा प्लान है, अच्छा है ना, अच्छा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग इसे फॉलो करते हैं। और एक बुराई ये है कि उन्हें पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा आगे। तो एक प्लान ये, एक जो प्लान ये है वो ये वाला था जो मैंने अभी जस्ट बताया, कि 20-30 हम ऐस करें, फिर 30-70 तक क्या करें, स्ट्रगल करें। एक प्लान बी भी है हमारे पास, प्लान बी ये है कि हम 20s में जब हम हैं, जब हम 12th में हैं, तो हम सीरियसली पढ़ाई करें, ध्रुव सर के लेक्चर्स अच्छे से लें, होमवर्क अच्छे से करें, जो एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाने हम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें, एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से दें, अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से टीचर्स को रिस्पॉन्स करें, और 4 साल की इंजीनियरिंग या कोई भी और अच्छी डिग्री के बाद या उस पैशन को हम फॉलो करें जो हम करना चाह रहे थे। हमेशा याद रखें कि जहां चाहे हैं वहां रहे हैं। एक सुई कितने की आती है ध्रुव सर, सुई कितने की आती है, सुई 1 रुपए की आती है, जब हम बहुत छोटे थे तो 25 पैसे की आती थी, कितने लोगों को याद है 25 पैसे की सुई, किस किसने लिए, ली है ना, मैंने भी ली है। और बड़ी वाली सुई लेते थे तो 1 रुपए की आती थी। आप सोचो बस, जो 25 पैसे की सुई है ना, उसे जो बंदा बनाता वो भी अरबपति होगा, नहीं होगा क्या? तो काम भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी और बड़ी होती है, जैसे मैं बड़ा कर रहा। तो मैं दोबारा से बताता हूं, तो प्लान बी क्या था, कि हम 20s की एज में है और हम क्या करें, हम ग्रुप क्लासेस में अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सवाल दें, अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम दें, अच्छा रिजल्ट लाएं, और अच्छे रिजल्ट के बाद क्या करें, अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम दें, अच्छे कॉलेज में जाएं, और 3-4 साल की मेहनत में क्या करें, हम सेटल हो जाएं, और उसके बाद हम सेल्फी लें, फेसबुक चलाएं, यूट्यूब चलाएं, तो मजा आएगा ना, नहीं आएगा? फिर हमारे पास बजट होंगे, हमें बच्चों के लिए एजुकेशन लोन नहीं लेना पड़ेगा, हमें घर के लिए जो लोन लेने हैं बहुत जल्दी पे कर पाएंगे, हमारे पास बुढ़ापे को चलाने के लिए बजट होंगे, और उससे क्या होगा, क्या होगा, हमें किसी खराब हॉस्पिटल की लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा, हम अच्छे हॉस्पिटल में जा पाएंगे। तो यू हैव टू चूज कि 4 सालों में मेहनत करनी है, फिर 4 साल मेहनत करके जिंदगी भर ऐस करना है, या फिर 4 साल ऐस करके जिंदगी भर मेहनत करनी है, यू हैव टू चूज, आप चूज कर लो। एक बात और बता, कोई भी काम इतना बड़ा नहीं होता कि आपकी सोच और अपने आपके सपनों से बड़ा हो जाए। दशरथ मांझी का नाम किस किसने सुना है, सुना है ना, वो बोलता है ना कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, और पहाड़ को हार मानना पड़ा
वो टूट के बिखर गया और वहां रास्ता बन गया। बोले यार तू इंसान है, तू जीत जा, क्योंकि तेरे सपने से बड़ा मैं नहीं हो सकता, आपके सपनों से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और हमेशा याद रखना, सपने बड़ी चीज है, उनका सम्मान करो। सपने बड़ी चीज है, उनका सम्मान करो। यदि आपको जीतना है तो उठो, जागो और दिल से काम करो। बस यही एक तरीका है। समय कम है, मेरे पास पर्ची आ चुकी है, ये सब जल्दी थोड़ा सा है ना, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। कोई नहीं सर, तो अभी बातें तो बहुत सारी थी, हम लोग दिन भर कर सकते हैं। और जैसा कि मैं एलन में लेक्चर देता हूँ, तो मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, प्रॉपर वो मोटिवेशन लेक्चर ही वहाँ पे होता है हमारा। तो 1.5 घंटे का टाइम चाहिए होता है प्रॉपर लेक्चर के लिए, बट कोई बात नहीं, भविष्य में फिर मिलेंगे। और आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारे अभी यूट्यूब चैनल्स भी लॉन्च हो गए हैं, तो उसमें जो हमारे लेक्चर्स में और जो भी बातें उसमें आएंगी आप वहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा मैं दो रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रहा हूँ कि 20s की एज में क्या क्या होता है लाइफ में, और हम क्या देखो, आपको जो बड़ा कोई बनाता है ना, वो आपके डिसीजन आपको बड़ा बनाते हैं। तो अच्छे डिसीजन से लेके लाइफ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और एक बहुत अच्छी चीज है, वो है हैप्पीनेस एट सक्सेस, जो मेरी बुक है वो अमेजोन पे अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसे परचेज करें, उसे पढ़ें, और उसे ना एक बार मत पढ़ें, उसे कम से कम 2 बार पढ़ें, और 1 सिटिंग में पढ़ें, 1 सिटिंग में 1 टाइम और छोड़ दें, फिर 10 दिन बाद फिर 1 सिटिंग में 1 टाइम। अगर उस नॉवल को पढ़ोगे ना, तो आपको जिंदगी के बारे में पता चलेगा कि डिसीजंस आपको कैसे बड़ा बनाते हैं, वो एक स्टूडेंट की लाइफ स्टोरी है। दूसरी चीज जो आज हम फिजिक्स की हमें बुक लॉन्च करने वाले, इसके लिए लॉन्च की है, मान लो कहीं पे जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम देने, आप कहाँ पे आप किताबें लेते घूमेंगे, ट्रेन में जा रहे हैं, बीच में, बस में जा रहे हैं, तो ये ई बुक हमने लॉन्च की है जो अमेजन पे अवेलेबल है। और इसमें क्या है कि आप मोबाइल में डाउनलोड करके, मोबाइल में जैसे हम व्हाट्सएप चलाते हैं ना, वैसे आप पढ़ सकते हो उसे, तो हेल्पफुल होगा ना। यस सर, होगा ना, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सुनाई दे रहा है, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैंने सुना कि आप आने वाले मोटिवेटर हैं, तो खासकर आपसे मिलने आया हूं। थैंक यू सर। आप पहले ये बताइए कि आप गॉड को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गॉड को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखो इसमें क्या है, इसमें 2 चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। यहाँ पे मैं किसी धर्म की बात करने नहीं आया हूँ, मैं लाइफ की करने आया हूँ। हाँ, लेकिन मैंने जिंदगी में ऐसा बहुत बार महसूस किया है, फिर जब मुझे विश्वास हुआ है कि मुझसे बड़ी, मेरी सोच से बड़ी भी मेरे ऊपर भी कोई है, जो काम मैं नहीं कर पा रहा था वो काम आसानी से हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ताकत तो है। हर कोई सवाल करियर से रिलेटेड। अब देखो एक चीज और है कि मुझे पतला होना है, मेरा बहुत वजन बढ़ रखा है, या मुझे एक किताब लिखनी है। देखो लाइफ में ना 2 टाइप के गोल्स होते हैं, आप सुन रहे हैं मुझे, सारे लोग, कितने लोग सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं। तो लाइफ में ना 2 प्रकार के गोल होते हैं हमारी लाइफ में। पहला गोल होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। और इस पूरे क्रियाकलाप में ना एक बहुत जरूरी चीज होती है, वो होती है टाइमिंग, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी मुझे सर ने नीचे चाय पिलाई और बिस्किट खिलाई, अगर मुझे चाय और बिस्किट का प्रॉपर टेस्ट लेना है तो एक टाइमिंग है, मैं कब लूंगा, एक बिस्किट लूंगा उसमें से डिप कर लूंगा, अगर मैं ज्यादा देर तक डिप किए रहूंगा तो बिस्किट मेल्ट हो जाएगा, अगर मैं तुरंत डिप करके खा लूंगा तो टेस्ट नहीं आएगा। अगर मुझे प्रॉपर टेस्ट लेना है तो चाय और बिस्किट के एक प्रॉपर टाइमिंग है डिपिंग का। ऐसे ही लाइफ में होता है, अगर हमें लाइफ का एक अच्छा मजा लेना है ना, तो उसकी प्रॉपर टाइमिंग होनी बहुत जरूरी है। तो हम गोल की बात कर रहे थे, लाइफ में आगे बढ़ने से पहले ना हमें ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि हमारा गोल क्या है। अब मुझे साइंटिस्ट बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जेई मेंस क्लियर करना है, या मुझे नीट का एग्जाम क्लियर करना है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका सपना हो सकता है, मुझे पतला होना है, मुझे अपना वेट लूज करना है, ये मेरा सपना हो सकता है, ये गोल नहीं है। कब तक, ये तब तक गोल नहीं है जब तक हम उसे टाइम के साथ बाउंड ना कर लें कि मुझे कब तक पतला होना है, मुझे कौन से ईयर में क्वालिफाई करना है, मुझे कब तक इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है ना। तो क्या है कि जो आपका गोल है ना, वो सिर्फ टाइम के साथ बाउंड करो, फिर आपके पास जितने नंबर ऑफ डेज है उस नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग अपने वर्क को क्या करो, डिवाइड करो, और हर रोज एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ उसे फॉलो करो, उसे पढ़ो।
ये तो मेरी बात हो गई। अब देखो हर किसी का टाइम टेबल क्या है, सबके अकॉर्डिंग अपना अपना होता है। जो बेस्ट टाइम टेबल की जो स्टूडेंट्स बात करते हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट टाइम टेबल कुछ भी नहीं होता है। बेस्ट टाइम टेबल वो होता है जिसमें आप सबसे ज्यादा कम्फर्ट फील हो। मुझे बाद में किताबें लिखना पसंद है 3 बजे तक 4 बजे तक, उसके बाद सोना पसंद है 3-4 घंटे। कोई हो सकता है आप लोग कहते हैं ये तो रात में तो कोई और जाते हैं, अगर काम करना है तो इसके लिए देना है, तो ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं होता। तो एक बात तो है कि जो गोल है आपका उसे किसके साथ फाउंड करो, टाइमिंग के साथ। कि मुझे अगर आज मैं 11th में हूँ, मेरे पास 700 दिन का टाइम है, 700 11th और 12th 2 साल लगभग 700 दिन है, ठीक है। अब जेईई मेंस का मेरा सिलेबस कितना उस हिसाब से डिवाइड करके उसे पढ़ो। और जैसे हम पैसे का हिसाब रखते हैं ना, जैसे हम पैसे का हिसाब रखते हैं, जैसे मैंने अपने भाई को 100 रुपये दिए कि जाओ ये सामान ले आओ, तो वो आके मेरे को हिसाब देता है कि भाई मैं 50 रुपये का ये लाया, 10 रुपये का ये चीज़ लाया, 5 रुपये की ये चीज़ लाया, 20 रुपये बच गए आप रख लो। जैसे हम पैसे का हिसाब रखते हैं तो हम धनाढ्य बन जाते हैं। अगर जिस दिन हम अपनी टाइमिंग का हिसाब अपने आप को देना शुरू कर देंगे कि आज मैं सुबह 6 बजे उठाता, उसके बाद मैंने पूरे दिन क्या किया, जब मैं रात में सोऊं उसके पहले मैं अपने टाइम का हिसाब अपने आप को दूं, उस दिन से मैं अपने आप रिच बनना शुरू हो जाऊंगा नॉलेज में। लाइफ में जब हमें पैसे बनाने होते हैं ना, लाइफ में जब हमें पैसे बनाने होते हैं तो हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जब हमें लाइफ में पैसे बनाने होते हैं तो हम पैसों को इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, FDs में, सेविंग अकाउंट्स में, प्रॉपर्टी में, करते हैं ना, सब लोग करते होंगे। वैसे ही जब हमें अपना समय अच्छा बनाना होता है जीवन का, तो हमें अपना समय अच्छे कामों में इन्वेस्ट करना होता है। और आप अपना समय जिन कामों में इन्वेस्ट करेंगे उन्हीं कामों में आपको क्या है, रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बोलना चाहूंगा अंतिम शब्द के तौर पे, हमारे पूर्वज कौन थे, कौन कौन जानता है, बस हाथ उठाना, दादा दादी वाले नहीं, 5,000 साल पुराने वाले। हमारे पूर्वज कौन है, हमारे जो पूर्वज है वो मंकीज है, मैं आपने बोला चिंपैंजीज है, राइट। हम मानव क्यों हैं और वो चिंपैंजी क्यों हैं? कोई कहेगा कि हम कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो जंगल में रहते थे, हम घरों में रहते थे। ये तो विकास है जो साल दर साल साल हुआ है अभी तक। पहले मैं साइकिल से चलता था, आज मर्सिडीज में चलता हूँ, क्या मतलब है इस बात का, कोई मतलब नहीं है। तो मेरी मेहनत है, ये मेरा विकास है, मेरा डेवलपमेंट है, वो तो नेचुरल है, होगा यदि मैं मेहनत करता हूं तो, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या है कि जो चिंपैंजीज हैं और जो मानव है उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको सुन के। जो चिंपैंजीज है ना, हमारी पांच की हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5, उनकी भी हाथ में कितनी होती थी, 5। लेकिन हम में और उनमें अंतर क्या है कि जो चिंपैंजीज होते थे ना वो अपने अंगूठे से इस उंगली को नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन हम इस अंगूठे से इस उंगली को पकड़ सकते हैं और इसके सहारे ही हम पेन पकड़ते हैं, कलम पकड़ते हैं। तो एक कलम पकड़ने की कला, एक कलम पकड़ने की कला, इस पेन को पकड़ने की कला हमने अपने पूर्वजों के बाद 5,000 सालों बाद सीखी है। तो इस कलम को ऐसे पकड़ना कि कुछ ऐसा लिख जाना ना कि सदियों जमाना उसे पढ़े। एक बेसिक डिफरेंस है उनमें और हमें, हम पढ़ लिख सकते हैं, हम एक कलम पकड़ सकते हैं इन दोनों उंगलियों से, लेकिन वो अच्छा बिना अंगूठे के कोई मुझे कलम पकड़ के दिखाओ, कोई पकड़ सकता है क्या, नहीं ना, लिख पाऊंगा कैसे, नहीं, बिना अंगूठे के पॉसिबल नहीं है। यस अपयस जीत हार, यस अपयस जीत हार जिंदगी का हिस्सा होगा। नेवर बी डिमोटिवेट, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। यस अपयस जीत हार जिंदगी का हिस्सा होगा, मेहनत से बढ़े चलो यार, तुम्हारी जीत का भी हिस्सा होगा। किस्से से बनती है कहानी, कहानी से कारवां, धैर्य से मेहनत कर भाई, यही है जीत का रास्ता। और एक बात और कहना, एक बात और कहना है, वो खड़िया मेरे को तो डर होता है, आयोजक है ना, ये था काम तो
लाइफ में हम पीछे कब हट जाते हैं? आप लोग थोड़ा ऐसे ना बहुत दिमाग से सोच रहा जो मैं बोलने वाला हूं, हो सकता है मेरे शब्द उतने अच्छे ना हो, लेकिन वो भावनाएं मेरी समझना। जिंदगी में, दुनिया में 90% लोग, इतने 90% लोग हारने के पहले हार मान लेते हैं। 90% लोग हारने से पहले हार मान लेते हैं। किस चीज से? खुद के डिमोटिवेशन से, कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, अजी मेरे पापा तो अखबार भेजते हैं, मैं कैसे करूंगा। अरे उस कलाम को देखना, वो तो खुद ही अखबार भेजता था, फिर राष्ट्रपति बना देश का। बेटा अभी नहीं, अभी अभी ना, उस डॉक्टर कलाम को देखना, वो तो खुद ही अखबार भेजता था। जहां चाहे है वहां रहे। आपके सपनों से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। और एक बात मैं बोलता हूं, कितने लोग हैं जो परी चौक के आसपास रहते हैं? कितने लोग हैं जो नोएडा रहते हैं? दिल्ली, चलो ध्रुव सर मान लो दिल्ली रहते हैं मान लो, और ध्रुव सर को दिल्ली जाना है, तो इन्हें किस रास्ते निकलना होगा? दिल्ली के, दिल्ली दिल्ली के रास्ते में निकलना पड़ेगा ना। अब यार एक बात मेरे को बताओ, ध्रुव सर के पास यदि कार है तो एक कार से जाएंगे कितनी देर में पहुंच जाएंगे? एक घंटे में। बस से जाएंगे तो डेढ़ घंटे में। मोटरसाइकिल से जाएंगे तो दो घंटे में। साइकिल से जाएंगे तो चार घंटे में। और अगर पैदल जाएंगे तो पांच छह घंटे में। इससे ज्यादा क्या होगा? पहुंच तो जाएंगे ना, अगर सही रास्ते में जा रहे हैं तो। शायद इस बच्चे का ये जवाब है कि फैसिलिटीज मैटर नहीं करती हैं, मैटर करता है कि हमारा दृढ़ संकल्प कितना मजबूत है कि वो किसी को डिगा ना पाए। सबसे पहले अपने आप को ना डिगा पाए। और दुनिया तो यार तुम्हें गिराने ही लगी है, दुनिया जो कड़ी है तुम्हारी गिराने ही कड़ी है। खुद अपने आप को कड़ा कर, अपने बच्चों को विश्वास दिलाओ, हाँ बेटा तुम कर सकता है, तुम करेगा, तेरे अंदर पोटेंशियल है कि तुम कर सकता है, कर। और हारने के पहले हार मत मानो। एक मैराथन हो रही थी 100 मीटर की, और एक उसमें धावक था जो सालों से दौड़ता आ रहा था, और फिर क्या हुआ कि एक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं तो 4 सालों से जीतता आ रहा हूँ। क्या थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं तो सालों से जीतता आ रहा हूँ। अब जो ये वाला इस साल का हो रहा था, जो 2018 का जो मैराथन हो रही थी 100 मीटर की, तो क्या है कि वो दौड़ रहे थे और करीब 60 मीटर की 70 मीटर की डिस्टेंस पूरी होगी, वो सबसे आगे थे, अचानक पैर में मोच आ जाती है, वहां पे गिर जाते हैं। अब दोस्तों उनके पास दो ऑप्शन थे, कितने? दो ऑप्शन। अभी देखो वो हारे नहीं है रेस, सबसे आगे जाके गिरे हैं, हालांकि वो लाइन उन्होंने क्रॉस नहीं की बट उसके पहले गिर गए। अब समझना टेक्निकल, अभी वो हारे नहीं है, अभी भी जो बाकी के लोग हैं उनसे 20 मीटर पीछे हैं, समझना। अब उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो इस बात को सोचकर रोने लगे कि वो हारने वाले हैं। क्या? वो इस बात को सोच के रोने लग जाए, डिमोटिवेट हो जाए कि वो क्या है? हारने वाले हैं। हारे नहीं है क्या? हारने वाले हैं। या फिर वो सब कुछ छोड़े, जितनी स्पीड से गिरे उतनी स्पीड से दोबारा उठे, दोबारा दौड़ जाए। कौन सा ऑप्शन बढ़िया है? सेकंड वाला ना, हारने के पहले नहीं हारने। तो उन्होंने यही किया, हारने के पहले हार नहीं मानी, जितनी स्पीड से गिरे थे उतनी दोगुनी स्पीड से उठे और दोबारा दौड़ना शुरू किया, और ये स्थिति मैराथन जो फिर लोगों ने तारीफ की कि भाई वाह तुम तो गिर गए थे और तुमने फिर से जीत लिया। और अगर मान लो वहीं पे डले रहते नहीं उठते, फिर क्या होता? लोग मजाक उड़ाते, अरे जीतने निकले थे, देखो वहीं गिर गए, है ना। हमेशा याद रखना, गिर गया तो क्या हुआ, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठ के फिर से चलना है। आपका रूटीन खराब हो गया, अरे यार वो 4 दिन तो मेरे शादी में निकल गए, वो फैमिली फंक्शन में निकल गए, अब तो मैं अगले महीने से पढ़ाई शुरू करूंगा। कभी ऐसा होता है कि हम सड़क पे जा रहे हैं, हम कीचड़ में गिर गए, तो हम कहते हैं कि जी तो अब तो गिर ही गए, थोड़ा सा और लोट लेते हैं, थोड़ा और कीचड़ लगा लेते हैं, फिर दोबारा उठ के चलेंगे। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं ना, क्यों? गिरते हैं तो उठते हैं ना। तो वही करो कि अगर गिर जाते हो ना लाइफ में, तो अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, अपने आप को छोटा मत समझो यार, क्योंकि तुम्हारे सपने से बड़ा कुछ नहीं है। सपने बड़ी चीज है, उनका सम्मान करो। अगर आपको जीतना है तो उठो जागो, जल्द से काम करो। थैंक यू वेरी मच।
मोटिवेशनल बातें आप लोगों के बीच में रखा। जब जब मैं यहाँ पे आया था ना, मैं आपको बात करता था, परसों सर मेरे से मिलने हैं, आप आ जाइए। जब परसों मेरे से सर मेरे घर मिलने हैं तो बोले सर कितने देर बोले, मैंने कहा 7-8 मिनट, ठीक है, बट अभी मैं 20-25 मिनट बोल रहा हूँ। सर जगह ही ऐसी है, पता क्यों? क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना, मैं उतना ही बोलता हूँ जितना लोग सुन रहे होते हैं। आप बहुत अच्छे लिसनर हो, इसलिए आपको मैं बहुत, यदि आप मेरे को अच्छे से नहीं सुनते ना तो मेरे को घास काटने भी आती है। थैंक यू। नहीं बिल्कुल सर ने सही कहा, ऐसा ही बोला था उन्होंने, और सही में आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आदरणीय श्री अशोक गुप्ता सर से और बाकी हमारे सभी मंचासीन सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आए और इसको इनॉग्रेट करें, ये बुक बच्चों को हेल्प करें और उनके जीवन में एक माइलस्टोन साबित हो, ऐसी हम शुभकामना और आशा करते हैं। हाँ जहां आप रखना चाहें। कुछ नहीं, पर्दा हटेगा और ताली जोरदार बजा देने के, बस हो गया इनॉग्रेशन। हम सभी मिलकर ये आशा करते हैं कि बुक जो है वो हमारे बच्चों के लिए मददगार हो। कहावत है कि हम किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस टीचर से पढ़ते हैं, किस बुक से पढ़ते हैं, ये तीनों ही बड़ा मैटर करता है, शिक्षक, विद्यालय और किताबें। आपको डिसीजंस बताइए कि आपको डिसीजंस कैसे लेना है, और ये कोई थ्योरी नहीं है कि आपके पास सौंप दी जाए, ये स्टोरी आप पढ़ोगे आपको अपने आप पता चलेगा। एंड जो ये बुक है ना, ये 12th क्लास के लिए नहीं है, कौन सी हैप्पीनेस सक्सेस नहीं, जो IIT की हमने अभी लॉन्च करी है, ये JEE मेंस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो बोर्ड का और इसका नाता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको JEE मेंस या आपको एंट्रेंस एग्जाम आपके देना है तो उसके लिए ई बुक है, जो मोबाइल पर डाउनलोड करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। स्पेशली मेरे पापा, वो हमेशा मुझे बताते रहे, जैसे मुझे सर बताते थे कि विजय तो कर सकती है, वो मुझे हमेशा बोलते रहे कि मुझे तो पे पूरा भरोसा है। वो मुझे जैसे सर और पापा दोनों एक जैसे हैं, वो मुझे ये बोलते थे, ये हमेशा कहते थे कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये हमेशा कहते थे कि आप कह रहे हैं मुझे मतलब खुश करने के लिए। और मुझे पापा भी यही बोलते थे कि बेटा मैं जानता हूँ तुम इंडिया भी टॉप कर सकती है। अच्छा, तो मेरे लिए मैं एक बात चाहूंगा कि एक बात बोलना मैं चाहूंगा, एक बाप ना अपने बच्चे को जवान करते हुए भी ना खुद हो जाता है, इनके फादर की ये तालियां बजाते हैं। जिंदगी का लाइफ का पार होता है, और हम भारतीय हैं और भारत का जो सिस्टम है, जो हमारी इकोनॉमी है, जो सिस्टम चले आ रहे हैं सालों से, वो सिस्टम ना थोड़े से रॉन्ग है मुझे ऐसा लगता है। और होता क्या है कि जब एक लड़की की जब शादी हो जाती है ना, तो एक दो साल का जब बच्चा होता है तो एक बेटी का जन्म होता है, एक बेटे का जन्म होता है, और बेटी बेटे के जन्म के साथ एक इंसान और का भी जन्म होता है, एक माँ का जन्म होता है। उस बच्चे के जन्म के पहले तक वो लड़की थी, वो औरत थी, वो माँ की बहन थी, पर वो माँ नहीं थी, वो माँ बनती है। और जब माँ बनते हैं ना, जब कोई माँ बनता है तो उसके जो सपने होते हैं ना, फिर वो ना अपने सपने ना वो सोचता है छोड़ यार, मेरे सपने तो मेरे बच्चे ही करते हैं। और वो सोचते हैं ना कि क्यों पढ़ना है, मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, इसलिए पढ़ना है कि वो सपने साकार हो पाए जो माँ बाप नहीं कर पाए। अपने सपनों के लिए पढ़ो ना पढ़ो, माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए जरूर पढ़ो। और बहुत प्राउड फील होता है कि जिन बच्चों को हम पालें, जिन भाइयों को हम पालें, एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है कि जिसकी उसने परवरिश करी, वो अपने बच्चे की हो, अपने भाई की हो।
और जब उसकी वजह से उसे सम्मान मिले, ये चीज जो ये प्राउड मोमेंट है ना, जो आज बच्चे की माँ फील करती है ना, बस उस प्राउड के लिए ही पढ़ना है, उस प्राउड के लिए हमें। और जिंदगी में ना कोई रास्ता टफ नहीं होता, पहाड़ तोड़ने से ज्यादा कठिन तो कुछ नहीं होता है, है ना। और आपके सपने ना पहाड़ों से भी बड़े होते हैं, अगर कोई पहाड़ तोड़ सकता है ना, तो सपने सच करना, तो बस मेहनत कर, मेहनत करते चलेंगे सफलता हमेशा। याद रखना कौन सा वाक्य, सपने बड़ी चीज है, उनका सम्मान करो। अगर आपको जीतना है तो उनको जागो दिल से, काम करने से काम होता है।